माननीय सांसद साहब सीपी जोशी साहब, अर्जुन मुंद्रा जी चेयरमैन मेवा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चैप्टर, श्री सुधीर जी भाटी साहब असाई से मंच पर पधारे, भानु प्रताप सिंह जी, मनोज सिंह कि वो सुन श्रीमती संतोष जी अनुरोध सुधीर जी, हमारे पूर्व विधायक मानी बद्री जी, हमारी प्रधान साहिबा, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार की सोच के साथ कि राजस्थान में बहुत प्रचुर संभावनाएं हर सेक्टर में है, और मैं सोचता हूं देश का एक ऐसा प्रदेश जिसमें हर सेक्टर में हर क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है, जो देश की लैंड बैंक का लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर जिस प्रदेश की जिसके पास बड़ा लैंड बैंक हो, मैं सोचता हूँ देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक किसी के पास है तो वो राजस्थान के पास है। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है, हमारे पास मिनरल्स की कमी नहीं है, हमारे पास पेट्रोलियम की कमी नहीं है, हमारे पास गौरवशाली इतिहास है, हमारे पास पेट्रोलियम है, हमारे पास झीलें हैं, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास गौरवशाली इतिहास है, लेकिन जरूरत है सबको एक मंच पर लाने की और उनको सिंगल विंडो के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की। कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट करता है तो उसको जरूरत होती है आवश्यक सुविधाएं, अगर तुरंत मिल जाए तो निश्चित रूप से वो वहां इन्वेस्ट भी करता है, वहां रेवेन्यू भी देता है, वहां एम्प्लॉयमेंट भी देता है, और उस क्षेत्र की और प्रदेश की और देश की प्रगति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। हम लोग देखते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 28%, इंडस्ट्री सेक्टर में 27%, सर्विस सेक्टर में 45%, ये लगभग ये रेशियो चलता है, लेकिन आज भी कहीं अधिक संभावना है यहाँ, जो हमारे मिनरल्स है उसको देखते हुए, जो पेट्रोलियम है उसको देखते हुए, और चित्तौड़ जिले में चाहे मार्बल में देखें, सीमेंट इंडस्ट्री में देखें, चाहे और किसी सेक्टर में देखें, तो बहुत बड़ी संभावना यहाँ है। तो यहाँ आप सब लोग आए, निश्चित रूप से सरकार ने, मैंने देखा है कि देश, तो निश्चित रूप से मैं उन सब का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, कोविड पैंडेमिक के बाद ये देश आज स्थिरता की ओर है, ये बात बड़ी बात है। मैं कुछ लोगों से कल मित्रों से मिला, बोले चित्तौड़गढ़ जिले में वास्तव में इंडस्ट्रीज की काफी लगाने की गुंजाइश भी है, क्योंकि एक सीमेंट का हब तो है ही है, उसके अलावा पर्यटक की दृष्टि से देखो, मार्बल का हब देखो, और यहाँ का मार्बल व्यवसाय के कारण कम से कम अट्रू सर भानु प्रताप जी, कम से कम 8 से 10 हजार लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और काफी यहाँ की व्यवस्था है, छोटे मोटे हमारे यहाँ के विकास डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, और जितने भी हमारे अजिंक हो, आदित्य हो, बिरला हो, वंडर हो, लापार जो, इनसे भी काफी रोजगार हमारे यहाँ के लोगों को मिला है, और भी मिलेगा, हम ऐसे आशा ही करते हैं। पर ऐसा वातावरण बने उसके लिए जब जब भी यहाँ इंडस्ट्रीज में छोटे मोटे कोई कारण होते हैं और वहां धरना हड़ताल प्रदर्शन होते हैं तो उसमें एरिया की बदनामी होती है, चित्तौड़ की बदनामी होती है, इसलिए भले कोई इंडस्ट्रीज हो वहां भी अपन को देखकर वहां इस प्रकार का वातावरण खराब नहीं हो, वहां अपनी व्यवस्था क्या हो सकती है, वहां हम पॉलिटिकल लोग भी मदद करें,
अधिकारी लोग भी मदद करें, उस चीज का भी आप सब लोग ध्यान रखें। और यहाँ ये सिरेमिक टाइलें जो बनती है, आज मोरवी में बनती, गुजरात में बनती है, उसका कच्चा माल कम से कम 90% माल हमारे राजस्थान से और सबसे ज्यादा माल 70% चित्तौड़गढ़ जिले से जाता है, तो इसकी भी काफी गुंजाइश है। इसके लिए मादलदम हमारी कलेक्शा बहुत बड़ी जमीन पड़ी है, उस जमीन के लिए मैंने बात आपसे भी करी, आगे भी करी, ये इंडस्ट्री के लिए अगर हो जाए तो अच्छी जगह है, अच्छा वातावरण है, और हमारे मारवाड़ व्यवसायी को अगर इनको कहेंगे तो ये लगाने के लिए भी तैयार है। इसके लिए आप थोड़ा करके उसको इंडस्ट्रीज में, जो काफ़ी लंबी चौड़ी जमीन पड़ी है, करीब 1200 बीघा जमीन के आसपास, 1200-1300 बीघा जमीन पड़ी है, उसकी मैंने पूरा डेटा भी तैयार कर रखा है, पूरी फाइल भी तैयार कर रखी है, तो अपन वो करवा देंगे तो उसके लिए काफ़ी गुंजाइश और अच्छा हो जाएगा। यहाँ अच्छी होटलें हो, अच्छी चीज़ें हो और यहाँ अच्छा वातावरण बने, क्योंकि जो भी यहाँ घूमने आते हैं, करने आते हैं, तो वो सब लोग घूम फिर कर वापस उदयपुर चले जाते हैं। उसके लिए बसी सेंचुरी अपन अच्छी डेवलप कर सकते हैं। और एक दो चीज़ और, अपन श्यामलपुरा वाली जो मैंने बात करी, उसके लिए भी अपन श्यामलपुरा एरिया या घाटा एरिया को डेवलपमेंट कर सकते हैं। और किले पर जो आज ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसके अलावा उसके लिए अपन पूर्व दिशा के जो गेट के अपन ने मंत्री जी से भी बात करी, उसके बात करी, तो उसके कागज वगैरह तैयार होकर नीचे अगर गेट एक खुल जाए तो वहाँ आने जाने में जो आने वाले शनिवार रविवार को करीब 7-5 4-5 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है, उसके लिए वो ट्रैफिक ही नहीं हो, एक इधर जाने का हो जाए, उधर नीचे उतरने का हो जाए, तो एक किले को देखने वाले को, पर्यटक जो आते हैं उनके लिए भी एक अच्छी सुविधा हो जाएगी, उसके लिए आप देखें। और हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उनका सब मैं स्वागत भी करता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूँ और उनके साथ जो अधिकारी लगे उन अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में राधेश्याम जी मंडोरा और मनोज जी मंडोरा पधारे।